दोस्तों क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है और आप सब लोग भी घरों में कोई ना कोई नई एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो मैंने भी सोचा है कि कुछ नया मैं भी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरे एक दोस्त हैं, काफी टाइम से आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, काफी सालों से ये वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशंस वगैरह और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में है, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और देश विदेश के इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस पे इन्होंने काम किया है, कई बार हम लोग साथ में मिलके बहुत सारी चीजें इन्वेंट भी करते हैं और बहुत सारे रिसर्च वर्क हमारे साथ में चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, इनका नाम है नवनीत सोनी, इनकी एक फर्म है जो जयपुर में है जिसका नाम है लाइटेक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और ये हमें बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताएंगे, तो कोशिश है कि आपको कुछ नया जानने को मिले इस इंटरव्यू सेशन में, और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी और ऐसे इंटरव्यूज में आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो नवनीत, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब किस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ, क्या ये पहले से डिसाइडेड था या ऐसा कुछ सोचा था कि यही करोगे, या मतलब कैसे है? जनरली हुआ है कि जब स्टार्टिंग से ही मुझे कंप्यूटर्स का शौक था, ठीक है ना, मैंने इसी लिए मैंने बैचलर भी मैंने कंप्यूटर साइंस में की, उसके बाद में मास्टर की, और वो शुरू से कीड़ा था कि भाई की करना है, खुद का करना है या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन खुद का है, लेकिन वो चीज भी पता थी कि कहीं कहीं पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने जॉब ज्वाइन की, ठीक है ना, 3 से 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। जॉब करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे बॉस अच्छे थे, सारी चीज थी, पूरी टीम अच्छी थी, तो मैंने नई नई चीजें सीखी, एक्सप्लोर किया। उसके साथ में मैंने बहुत सारे पार्ट टाइम दूसरे घर पे भी बहुत सारे काम स्टार्ट किए जिससे जो कि आईटी से रिलेटेड थे, लाइक वेब डेवलपमेंट का किया, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग की, फेसबुक मार्केटिंग की। तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि फाइनली जॉब क्विट करके और खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म स्टार्ट की, जो कि मिलिंद ने आपने वैसे बताई रखा है कि लाइटेक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी में ये आई टी फील्ड में एंटर हुआ। जहां तक मुझे पता है हम उस दौर के हैं जिस दौर में शायद हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज भी नहीं होती थी, गूगल को एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी और बहुत सारी चीजें शायद हमको खुद से सीखनी पड़ती थी, या हमें कुछ अगर मतलब कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए भी शायद साइबर कैफेज में जाना पड़ता था, या तो वो डायलॉग हम यूज करते थे। तो क्या कभी कोई ऐसा वाक्य रहा है आपके साथ कि आपने आपका डायलॉग बहुत सारा एक्सेसिव यूज कर लिया हो, या ऐसी कुछ चीजें हुई हो उस टाइम पे शुरुआत? इसके लिए बताऊँ की जब पहली बार पापा ने एक घर पे अपने पास डेस्कटॉप था, उस टाइम डेस्कटॉप चलते थे, वो सीआरटी मॉनिटर वाले जो होते हैं, तो उसमें पापा अपने लैंडलाइन फोन था, तो उसमें पापा ने कनेक्शन वो किसी भी तरीके से सीख सीख के और वो डायल अप कनेक्शन मैंने एड कर लिया। अब मुझे नहीं पता था कि उसका क्या चार्जेस है या क्या है, वो आज भी मुझे वो उसकी जो टोन आती थी वो आज भी मुझे याद है। तो हुआ क्योंकि फर्स्ट मंथ जब वो कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे मेरे लगभग 3,000-3,500 रुपए का बिल आ गया, जबकि जनरली वो आता ही नहीं था कभी भी। 3,500 रुपए उस टाइम के लिए तो बहुत बड़ा था, और वो होता था ना कि वो अगर फोन था तो फोन का 100-200-300 रुपए बिल आता था, और उस टाइम पे जबकि वो डायल अप और कुट यूज करते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम की बात है कि 3,500 बिल आ गया था। पापा ने बहुत बहुत डांट पड़ी, मतलब कनेक्ट पापा ने तो वो उसको सारों को तार वार को हटा के और साइड में रख दिया कि आज के बाद तू नेट यूज नहीं करेगा। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे और डेटा वगैरह ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, ओनली फॉर उस टाइम पे मैसेजेस चलते थे, तो वो वाला दौर था। जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में इतना नेट की फैसिलिटी नहीं थी, साइबर कैफे जाया करते थे और कुछ चलाने के लिए, कोई मेल सेंड करना होता था तो साइबर कैफे का यूज होता था, तो उस तरीके से चलता रहा उस टाइम पे भी। लेकिन वो एक शौक था कि यार कि आईटी में जाना है, कंप्यूटर से लगाव था, ऐसा नहीं था कि कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे कुछ ऐसा होगा, लेकिन हाँ कंप्यूटर से प्यार था कि भाई कुछ होगा तो कंप्यूटर। बड़ा बदलाव आया कैसे, मतलब आप ठीक है कंप्यूटर से तो वो एक कोई जानता है कि आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको आप और ज्यादा एक्सप्लोर करें, पर ऐसा कैसे कि हमें वेबसाइट ही बनानी है या तो सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई सिस्टम बना के देना है,
या एप्लीकेशन बना के देनी है किसी को ताकि वो लोग यूज करें और उनका बिजनेस वो एक्सपांड। देखो वो जनरली क्या हुआ कि टाइम के साथ में जैसे जैसे नया नॉलेज बढ़ता गया, जैसे नए नए एक्सप्लोर होते गए कि ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है, इस तरीके से हम जब मास्टर्स में आए तब यहाँ पे नेट की फैसिलिटी थी, ब्रॉडबैंड था, तो उस टाइम पे वीडियोस देखे, कुछ ब्लॉग पोस्ट पढ़ी कि अब वो होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखे, पूरी रात रात भर यूट्यूब को छान मारा, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, 1000+ ब्लॉग मैंने पढ़ चुका था, तो वो दिमाग में लग गया कि भाई इन तरीके से भी अर्निंग होती है। तो फिर उसके बाद में जब जॉब ज्वाइन की तो पता चला कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जॉब ज्वाइन की PHP में, तो फिर नई नई चीजें सीखता गया, तो फिर वो टाइम के साथ इस तरीके से मैं डेवलपमेंट, फिर ऐप डेवलपमेंट सीखा, ऐप को लाइव की प्ले स्टोर पे, और इसी तरीके से वो जर्नी आगे बढ़ती रही। एक सवाल है मेरे ध्यान में जो शायद अभी जो लोग कोर्सेज करते हैं या जो कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं उन सबके मन में होता ही है कि मैं डिग्री तो कर लूंगा पर मैं आगे क्या करूं। कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनकी डिग्री खत्म हुई या उन्होंने नॉलेज लिया या नहीं लिया और शुरू से ही वो अपना एक वेंचर बना के अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करके चालू करते हैं, और दूसरा ऐसा होता है कि वो जॉब करते हैं और उसके बाद उनका वेंचर स्टार्ट करते हैं। पर इन सबके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके कैरिकुलम में शायद नहीं और उनको सीखनी जरूरी है अगर वो इंडस्ट्री किसी भी तरीके से ज्वाइन करे, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे खुद का स्टार्टअप या खुद की कंपनी से लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे एक फ्रेशर को यूजुअली फोकस करना ही चाहिए ताकि वो उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे सके इंडस्ट्री जी। तो उसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले जब वो कॉलेज टाइम पे है तभी उसको एक चीज है कि कॉलेज के जो सिलेबस है या उनके जो करिकुलम है उनमें सारी चीजें लिमिटेड है, ठीक है ना। नॉलेज सारा कुछ है कि सारी लैंग्वेजेज हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक चीज है अगर मैं बात करूं कि मेरे इतने सब्जेक्ट थे लेकिन आज मैं जिस चीज में हूँ वहां पे केवल वहां के वो एक सब्जेक्ट था उसकी मैं उस चीज में मैं मास्टर हूँ और उस चीज में मैं ये चीज आगे आप काम कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके से जब वो कॉलेज टाइम पे है जब वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ में भी उनको खुद को एक्सप्लोर करना, ठीक है। सेकंड चीजें नई नई चीजें ट्राई करना, और सबसे ज्यादा होता है कि वो फेलियर से डरते हैं या कि फेल हो गया, तो वो चीज नहीं है, वो अभी वो लर्निंग स्टेज है, नई नई चीजें सीखेंगे, फेल होंगे। फेल भी मैं वर्ड यूज नहीं लूंगा, फेल होने का मतलब सीधी सीधी बात है कि नई नई चीजें वो सीख रहे हैं, और सीखने में ऑब्वियसली है कि जब आप फ्रेशर होते हो तो बहुत सारी चीजें नहीं होती उस टाइम के लिए, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको काम आती है, खराब नहीं होता। आप जितनी बार फेल होते हैं आपको पता लगता है ना, तो वो सीख रहे हैं। फेल वर्ड भी गलत है, कोई फेल होके उन्होंने कोई करोड़ों का नुकसान नहीं कर दिया, वो ठीक है नई चीज सीख रहे हैं, वो काम नहीं कर रही है तो वो उससे आगे के एक वन स्टेप आगे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो करते हैं। और सेकंड चीज है कि हाँ अगर आपको कहना है कि क्या उनको खुद का वेंचर स्टार्ट कर लेना चाहिए या पहले कोई जॉब वगैरह या एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जरूरी है चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हाँ आपको एक कंपनी में, तो ये मानता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो आपको किसी के अंडर में या एक कंपनी में काम करना चाहिए ताकि वहां के आपको समझ में आए कि किस तरीके से काम होता है, एक्सपोजर मिलता है। हाँ, कि आपको वहां पे पता चलता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, कैसे टीम मैनेज होती है, कैसे पूरी टीम को हैंडल किया जाता है, वो सारी चीजें आपको उसमें वो नॉलेज मिलता है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपकी एबिलिटी कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए हेल्प करता ही है, आपको नॉलेज भी बढ़ाता है, आपका पता चलता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आप जब अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करें या खुद की कंपनी में आगे बढ़े तो उसमें वो बहुत काम आता है। तो ये थे नवनीत जिनके साथ हमने आज कुछ शुरुआती चीजों पे बात की, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ और आगे ऐसे वीडियोस लाऊं जिसमें हम टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात करें। इनको बहुत एक्सपीरियंस है एप्स में, सॉफ्टवेयर में, वेबसाइट्स के डेवलपमेंट में, और भी हम कस्टम सर्विसेज भी काम करते हैं, तो आने वाले वीडियोस में शायद हम कुछ टेक्नोलॉजीज रिलेटेड भी बात करें। तो मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपकी कुछ डिमांड्स है, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ करना है या कुछ चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में अलग करना,
या तो वो स्टूडेंट्स हैं उनको किस पाथ पे जाना चाहिए, शायद उनके लिए इस वीडियो से उनको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो उनकी जिंदगी बदल सके। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।